नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल टैक्स कोड 29। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज जैसे कि हम अपने ओपिनियन बताने वाले हैं और बात करने वाले हैं मोटो Z2 Play की, जो आज लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मोटो Z2 Play, जैसा कि मैं इसकी जानकारी के लिए सॉरी अपना फोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा और ओपिनियन भी देता हूँ। कहते हैं कि ये मोटो Z2 Play आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी स्क्रीन जो है वो है 5.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और जैसे कि इसके पिक्सल जो है वो दिए हुए हैं 1080p × 1920 पिक्सल्स में, जैसे कि ये फोन दिया हुआ है। और इसके कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा है जो 2160p रिकॉर्डेड करता है आपकी वीडियो को, और जैसे कि इसमें 4GB रैम है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। अगर हम इसके इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो इसका एक और वेरिएंट है जो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ अवेलेबल है, और जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में मोटोरोला कंपनी ने वो वेरिएंट लॉन्च नहीं किया है। इंडिया में आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, वो है 4GB रैम का वेरिएंट। तो अगर हम इसके प्रोसेसर पे आते हैं तो इसमें है स्नैपड्रैगन 626 चिपसेट आपको मिल जाएगा। और थोड़ी अगर हम इसकी बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो जो इसकी सुपर एमोलेड कैपेसिटी टच स्क्रीन 16M कलर्स में डिस्प्ले है, काफी अच्छा फोन है। 5.5 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन है और इसमें जैसे कि मल्टी टच भी अवेलेबल है, और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 अवेलेबल मिल जाता है। और जैसे कि फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एंड्रॉइड 7.1.1 नोगार्ड वर्जन में, और जैसे कि इसमें क्वालकॉम का 626 स्नैपड्रैगन वर्जन इसमें दिया हुआ है। ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है। सीपीयू और जीपीयू की बात करें तो इसमें है एडजिनो 506 आपको जीपीयू मिल जाता है, और ये अप टू 256 GB स्लॉट आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड अपना डाल सकते हैं, और इंटरनल स्टोरेज 64GB आपको मिल जाती है। बात करें कैमरे की तो इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो एपर्चर है वो है 1.7, फेस डिटेक्शन एंड लेजर ऑटोफोकस, डुअल LED डुअल टोन फ्लैश, जैसे कि इसमें डुअल टोन फ्लैश आपको मिल जाती है। और जो इसका सेकेंडरी कैमरा है फ्रंट कैमरा, वो है आपको 5 मेगापिक्सल फ्लैश 2.0 के साथ 1.4 एपर्चर पिक्सल साइज, डुअल LED डुअल टोन फ्लैश 1080p पिक्सल, जैसे कि आपका फ्रंट कैमरा भी 1080p में पिक्सल्स में रिकॉर्ड करेगा। काफी अच्छा जो फोन है। बात करें इसके थोड़े फीचर्स की तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, एक्सेलेरेटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपासेस आपको इसमें मिल जाते हैं, और इसमें जैसे कि फास्ट बैटरी चार्जिंग आपको कंपनी ने अवेलेबल दिया, जैसे कि हमें गिवन है 30 मिनट्स में आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा, मतलब की 1 आवर में फोन 100% आपको चार्ज दे देगा। और बैटरी इसकी नॉन रिमूवेबल है, जो कि है आपकी 3000 मेगाहर्ट्ज पावर में बैटरी है। और फोन के प्राइस की बात करें तो फोन का प्राइस जो है वो है 27,909 INR, जो जहाँ तक मेरे अगर आप ओपिनियंस माने तो आपके लिए सही नहीं है। इस प्राइस की रेंज में आपको ऐसा फोन काफी महंगा सा लगता है, ये कुछ इसके प्राइस ज्यादा आगे हैं। और अगर आप मोटोरोला की बात करें तो मोटोरोला के कुछ मोड्स भी आते हैं, और अगर आप इसके मोड्स लें तो मोड्स आपको और भी ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन में कुछ दम नहीं आया है। जी हाँ, जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और हाँ, अगर इसका 3GB रैम और 32GB स्टोरेज का वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होता, अगर उसका प्राइस थोड़ा लिमिट थोड़ा नीचे होता तो शायद वो कुछ अच्छा होता। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये फोन आपके लिए सही नहीं होगा, जो कि ऐसा नहीं है फोन बेकार है। अगर आपके पास 28,000 है तो आप फोन को लीजिए, फोन की जो स्पेक्स है वो काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से है वो आपको इसकी कुछ स्पेक्स इतनी ज्यादा खास नहीं मिलेंगी इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखें तो। तो यही थे मेरे ओपिनियन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।